एक कांग्रेस की मदद से ये इको सिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इको सिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इको सिस्टम को चेताना चाहता हूं। इको सिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इको सिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इको सिस्टम को बता देना चाहता हूं उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसा कालखंड है जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है, हर बारीकी को नोटिस कर रही है। आदरणीय सभापति जी, अब चुनाव हो चुके हैं, 140 करोड़ देशवासियों ने 5 साल के लिए अपना निर्णय जनादेश दे दिया है। आवश्यक है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का योगदान होना चाहिए। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप भी जिम्मेवारी के साथ आगे आइए। देश हित के विषय पर हम साथ चले, मिलकर के चले और देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहने दें। आदरणीय सभापति जी, पॉजिटिव राजनीति भारत के इस कालखंड में बहुत आवश्यक है और मैं हमारे साथी पक्षों को भी कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के पक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आइए मैदान में गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो एनडीए की सरकारों के साथ गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें, डिलीवरी पर स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने पर स्पर्धा करें। देश का भला होगा, आपका भी भला होगा। आदरणीय सभापति जी, आप अच्छे कामों के लिए एनडीए के साथ स्पर्धा करें, आप रिफॉर्म्स के मामले में हिम्मत करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो रिफॉर्म से कदम बढ़ाए और वो विदेशी निवेश को आकर्षित करे, अपने अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए इसके लिए प्रयास करे। उनको ये अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं और इसके लिए वो भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करे, एनडीए की सरकारों से स्पर्धा करे, सकारात्मक स्पर्धा करे। जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है वहां पे वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें। कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है, उस स्पर्धा के लिए मैदान में आए
एक तंदुरुस्त प्रजा हो। साथी आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति है, यानी कर्म की गति गहन है। इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब, डिबेट ऐसी जीतने के बजाय कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए। आदरणीय सभापति।